अब आपकी खिचड़ी कभी भी नहीं छिपकेगी। 100% माँ अन्नपूर्णा फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। ये गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, इसमें एक कटोरी मूंगफली दाना डाला है। मूंगफली दाना को हम मीडियम आंच में भूनेंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे इनमें से बढ़िया सी। और ये साबुदाने हमने 3 से 4 घंटे भिंगो के रखे थे। एक कटोरी, एक बड़ी कटोरी साबुदाना है ये, पैकेट वाला अच्छा साबुदाना है, बढ़िया खिचड़ी बनती है इसकी। और एक कटोरी हमने साबुदाना लिया था बड़ा, इस कटोरी को भर के, और जो पानी लिया वो हमने 1/4 कटोरी पानी लिया। इससे क्या होता है कि साबुदाना जब हम फुलाते हैं तो बहुत अच्छा फूलता है और गीला नहीं होता है साबुदाना। अच्छे से वॉश कर लो 2-3 बार, तो उसके अंदर नमी आ जाती है, तो उसे पानी की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। आप 3 घंटे के लिए उसको रख दो, बढ़िया फूल जाता है। हमेशा यही समस्या रहती है लोगों की, हमारी खिचड़ी चिपक क्यों जाती है। तो आप मेरी तरह से बनाएंगी तो आपकी खिचड़ी कभी भी नहीं चिपकेगी, 100% गारंटी के साथ बता रही हूँ, कभी भी चिपकेगी नहीं। हमारी मूंगफली भून चुकी है, मैंने नीचे रख दी है, वो ठंडी हो जाएगी तो उसकी छिपकल उतार लेंगे। अभी गर्म है, रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ठंडी होने पर उसकी छिपकल उतार के उसको ग्राइंडर में पीस लेंगे। दरदरी सी पीसेंगे, बहुत महीन नहीं पीसेंगे इसको। हमारी छिपकल उतर गई है और इसको ग्राइंड में डाल के पीस लेंगे। गैस पे पैन भी चढ़ा हुआ है हमारा और साबुदाना भी रखा है। अब जी हमने जो मूंगफली पीसी है, ये मूंगफली पूरी साबुदाने के अंदर मिलाएंगे हम। इससे क्या होता है, जो साबुदाना के में मॉइस्चर होता है वो एक दूसरे को चिपका देता है, और मूंगफली जब पीस के डालेंगे तो ये मूंगफली उसका मॉइस्चर पूरा खींच लेती है अपने आप में, तो सारा दाना खिला हुआ रहता है। आप इसको रख दीजिए, पूरे में मिला दीजिए, और जब तक आपके आलू तैयार होगा, मसाला तैयार होगा साबुदाने का कढ़ाई में, जब तक इसका मॉइस्चर निकल आएगा साबुदाने का। बढ़िया टिप है, आराम से रख दीजिए और अब वो अपना मूंगफली अपना काम करेगी, हम गैस पर अपना काम करेंगे। देखो पूरा मिल गया है, एक एक दाना आपका खिला खिला बनेगा, बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। गैस पे पैन चढ़ा दिया है हमने, इसमें हम 1 से 2 चम्मच शुद्ध घी डालेंगे। घी हमारा मेल्ट हो जाए तो उसमें सामान हमने काट के रखा है, 2 आलू उबाल के रखे हैं, 2 हरी मिर्चा, करी पत्ते। आलू को हमने सुबह बॉईल किया था, आलू को सुबह बॉईल कर लो तो अब आलू का जो टेक्सचर है वो कड़ा हो जाता है, तो वो मेल्ट नहीं होता और चिपकता नहीं है, सूखा सूखा सा हो जाता है। आप गरम आलू यूज करोगे तो आपकी खिचड़ी चिपकेगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखें आलू पहले से बॉईल किया हुआ हो आपको आपका, या फिर आप काट के बना रहे हो तो फिर काट के फ्राई करके सीधा कच्चा आलू को काट लीजिए और उसको फ्राई कर लीजिए, तब भी नहीं चिपकेगी खिचड़ी। अगर बॉयल आलू यूज करोगे आप तो ठंडा आलू यूज करना। मैंने पैन में हरी मिर्च डाल दी है, आलू डाल दिया है काट के, इनको भूनेंगे मध्य आंच में। आलू हमारा चिपक नहीं रहा बिल्कुल, चिपकेगा ही नहीं, आराम से भुनेगा। और काली मिर्च पीस रहे हैं हम नीचे, इसके लिए 1 चम्मच काली मिर्च पीसेंगे, आलू को सुनहरा होने तक भूनेंगे। अगर आप टमाटर खाते हो तो टमाटर डाल सकते हैं, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। व्रत में बहुत से लोग नहीं खाते हैं टमाटर। और हमारा साबुदाना भी बढ़िया मॉइस्चर तो खत्म हो रहा है, नीचे आलू भून रहा है, आलू भून चुका है, तो इसमें धीरे धीरे करके हम अपना साबुदाना मिला देंगे और कलछी की सहायता से ऊपर नीचे करके। देखो एक भी दाना आपका चिपकेगा ही नहीं, देखो मिल रहा है बढ़िया अच्छे से। आप भी ऐसे ही ट्राई करिए, बढ़िया खिचड़ी बनेगी बिना चिपकने वाले। तो हमेशा ऐसे ही सब लोग कहते हैं, चाहे जितनी कोशिश करो खिचड़ी चिपक ही जाती है, खिचड़ी चिपक ही जाती है, अब नहीं चिपकेगी कभी भी खिचड़ी आपकी। ऐसा दाना मिल गया, 1 चम्मच हमने ये डाल देंगे, काली मिर्चा जो पीसी थी कुटी हुई वो डाल देंगे 1 चम्मच इसमें, और ऊपर नीचे करके इसको चला के अच्छे से मिला लेंगे।
साबुदाना में लोग ज्यादा पानी डाल कर रख देते, उससे भी वो गीला हो जाता है। हमेशा पानी ज्यादा नहीं डालना चाहिए साबुदाना में, मात्रा से कटोरी की नाप के अनुसार ही पानी डालना चाहिए। अगर आपकी एक कटोरी साबुदाना है तो आपको 1 कटोरी पानी डालना चाहिए, लेकिन वॉश उसको अच्छे से कर लेना चाहिए, 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। उसकी गंदगी, उसमें जो कुछ सफेद सफेद से निकलता है वो सब निकाल लेना चाहिए, तो वो सॉफ्ट हो जाता है पहले से ही, उसको आवश्यकता नहीं होती पानी की ज्यादा। बस रख दीजिए, फिर छन्नी में निकाल के रख दो, जितना पानी है सब निकल जाता है। इसको ढक के रख देंगे, थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है हमारा साबुदाना, फिर से ढक के रख देंगे। उन सभी को पानी डालने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने के नहीं। जो अपन लीड इसमें ढाका है ढक्कन, इसमें ही भाप बनेगी और आपकी इस खिचड़ी बहुत अच्छी बनेगी, बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट सी भाप बनती है ना कढ़ाई में, उससे ही सॉफ्ट हो जाती है। थोड़ा सॉफ्ट ढक देंगे इसको, इसे बनने में 5 से 7 मिनट हमको ढकनी पड़ी इसको, तो हमारी खिचड़ी एकदम से परफेक्ट बनी हुई है। इतना आपको करना पड़ेगा। एक नींबू लिया है इसमें हमने, निचोड़ देंगे, बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है नींबू से। आप भी ट्राई कीजिए, नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के लिए आपकी सभी को रहती है क्या बनाए क्या बनाए क्या खाएं, खिचड़ी बनाइए, कितनी सारी चीजें हैं, कटलेट बनाइए, हलवा बनाइए, जो चीज मन आया एंजॉय कीजिए, याद रखिए। देखो खिचड़ी, देखो एक एक दाना खिला खिला सा बना हुआ है, दिख रहा है ना आपको। आप भी बनाइए मेरे एक तरह इसी टेप और ट्रैक के साथ, आपकी भी खिचड़ी ऐसे ही बनेगी, एंजॉय करिए, आपकी समस्या समाप्त हो गई है ऐसे खिचड़ी की चिपकने वाली। ओके, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। सामने जो गोल बटन दिख रहा है इसको प्रेस करिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए, और कमेंट करके बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ओके, थैंक यू।